बच्चों ने दे रखा है एल्कीन एच प्लस गिविंग अनदर एल्कीन। हमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इज करेक्ट। गैस ये हमारा जो रिएक्शन है वो कैसे हो रही होगी उसको विजुलाइज करके देखो। ये है एच प्लस, यहां पर अटैक करेगा, क्या बनाएगा बच्चों? ये बनाएगा, राइट? क्लियर है यहां तक? अब हमने एच प्लस एलिमिनेट करना है, यहां से भी हो सकता है यहां से भी हो सकता है। कहां से रिमूव करेंगे हम? यहां से एच प्लस रिमूव करेंगे, गिविंग अस दिस एज द एल्कीन। बच्चों डू यू रियलाइज दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल? हाँ है ना, जो हमारा ओरिजिनल एल्कीन था देर वॉज लेस स्टेबल। क्यों? इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स थे? ओनली टू। यहां पे कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है बच्चों? सिक्स। दिस इज मोर स्टेबल। हमारा एक एल्कीन से हम मोर स्टेबल एल्कीन की तरफ जा रहे हैं वाया कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। गाइस पहली चीज कार्बोकैटायन बन रहा है, राइट? दैट इज द इंटरमीडिएट दैट यू आर गेटिंग एंड द प्रोडक्ट इज अ मोर स्टेबल एल्कीन। मोर स्टेबल एल्कीन का मतलब है जो एनर्जी होगी उसकी कम होगी, ठीक है ना बच्चों? एनर्जी कम किसमें है? इसमें फाइनल एल्कीन हैज लोअर एनर्जी देन इनिशियल। हाँ है ना बच्चों? हमारा ये एल्कीन है, ये हमारा निचल एल्कीन है, ठीक है ना बच्चों? तो डू यू रियलाइज क्योंकि हमारा फाइनल एल्कीन इज मोर स्टेबल, ये कर्व सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बच्चों? और ये हमारा क्या होगा? दिस मस्ट बी दैट कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? तो इन चारों ऑप्शन में करेक्ट कर्व कौन सा होगा बच्चों? कर्व फोर। क्लियर? रिएक्टेंट हैज हाई एनर्जी, प्रोडक्ट हैज लोअर एनर्जी एंड दिस इज द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट दैट आई हैव मेड बच्चों, राइट? गुड।